चलिए आज हम देखेंगे कि मैलिक्स का ऑप्शन हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने एक आईडी कार्ड डिज़ाइन किया हुआ है स्टूडेंट आईडी कार्ड के नाम से, और इसके ऊपर हम मैलिक्स का ऑप्शन यूज़ करेंगे। और मैलिक्स के ऑप्शन का जो इस्तेमाल है वो इसलिए है कि जैसे कि आईडी कार्ड या इस तरह के और भी डॉक्यूमेंट जैसे सर्टिफिकेट या कोई लेटर या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसका कंटेंट और डिज़ाइन सेम होगा लेकिन वो जिन लोगों के नाम पर इशू किया जाना है उनका डेटा डिफरेंट होगा, तो इस तरह के काम को हम मेलिंग्स के ज़रिए बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये डिज़ाइन बनाया, इसको फाइल में जाके मैं सेव कर रहा हूँ, और यहाँ से जाके मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ ब्राउज पर, और यहाँ से मैं जा रहा हूँ डॉक्यूमेंट्स पर, और यहाँ पर जाने के बाद मैं क्लिक कर रहा हूँ वर्ड फाइल्स पर। तो जैसे ही वर्ड फाइल्स पर क्लिक किया मैंने यहाँ से, और यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स मेरे बने हुए थे, किसी भी एक फ़ोल्डर में मुझे इसको जाके सेव करना है। तो मैंने इस पर ANH के नाम से एक फ़ोल्डर इस पर सेव कर देते हैं, और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम फाइल का स्टूडेंट आईडी कार्ड जो कि एक सिंपल वर्ड की फ़ाइल है वही रख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी वर्ड की फ़ाइल है, और अब यहाँ पे जो डेटा लेना है उसका ज़रा भी हम सेट करेंगे बाद में। सबसे पहले अब हमें ये करना है कि कितने लोगों के नाम पर ये आईडी कार्ड इशू किया जाना है, उनकी लोगों के लिए एक लिस्ट बनानी है। वो लिस्ट बनाने के लिए हम जाएंगे मेलिंग्स के ऊपर, मेलिंग्स में जाने के बाद हम क्लिक करेंगे सिलेक्ट रेसिपेंट पर, और यहाँ से एक ऑप्शन लेंगे टाइप आ न्यू लिस्ट का। जैसे एक न्यू लिस्ट का ऑप्शन लेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि भाई आपको कितने किस्म के कॉलम रिक्वायर्ड हैं जिसमें डेटा डालना है। तो उसके लिए हम कस्टमाइज़ कॉलम कर लेंगे, और कस्टमाइज़ कॉलम करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कॉलम्स हैं इनको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से डी दबाएंगे, और या यहाँ से डिलीट, और यस के लिए वाई दबाएंगे। तो ये ज़रा शॉर्टकट है, इसका आसान हो जाएगा। ये DY करते जाएं तो ये डिलीट हो जाएगा सारा का। अब वही फील्ड्स जो आपको यहाँ रिक्वायर्ड है वहाँ ऐड करा लें, डायरेक्टली, ठीक है। और ये मैंने तीनों फील्ड्स ऐड करा ली, इसके बाद मैंने ओके कर देना है, तीनों फील्ड्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। इसके बाद आपने इसमें कोई रिकॉर्ड डाल देना है, तो सीरियल नंबर में क्या था हमारा, रोल नंबर में हमने 4452 रोल नंबर डाल दिया, और यहाँ पे एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाल दिया कश्यप, और यहाँ पे हमने उसके कोर्स का रिकॉर्ड डाल दिया ACIT, न्यू एंट्री कर दी, फिर एक रोल नंबर असाइन कर दिया इसको और डाल दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे एक एंट्री कर दी उसकी ACIT। अभी दो स्टूडेंट का रिकॉर्ड रख के हमने ओके कर देना है। तो ये पूछेगा भाई ठीक है, जैसे आपने फ़ाइल को सेव किया था, बताओ ये वाली डेटा फाइल कहाँ सेव करनी है। ये एक अलग फ़ाइल है जो बन रही है, इसको भी आपने उसी फोल्डर में सेव करना है जिसमें आपने वो वाली फ़ाइल सेव की थी। तो यहाँ से हम चले गए डॉक्यूमेंट्स में, और यहाँ डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से वर्ड फाइल्स पे क्लिक किया, और यहाँ पर ANH में चले गए, और यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट डेटा के नाम से, इस डेटा फाइल को सेव कर दिया। जैसे ही सेव कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। अब सेव होने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है आपने सेट कैसे करना है वो फील्ड्स को, तो यही मेलिंग्स के ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर आपको दिखाएगा इंसर्ट मर्ज फील्ड्स। तो इंसर्ट करें और मर्ज करें फील्ड्स को, रोल नंबर के आगे रोल नंबर वाली फील्ड, और फुल नेम के आगे फुल नेम वाली फील्ड, कोर्स के आगे कोर्स वाली फील्ड, इसको इस तरह से पुटअप कर दें। पुटअप करने के बाद ये आ गया सिंपल टेक्स्ट, और ये आपकी फील्ड्स हैं। प्रीव्यू करें यहाँ से, जैसे ही प्रीव्यू ऑन करेंगे तो यहाँ 1 और 2 पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है। प्रीव्यू ऑफ करें, इनके फॉन्ट्स को सेट कर लें, सेलेक्ट कर लें इसको इस तरीके से, होम में चले जाएँ, अच्छा सा कोई स्टाइल लगा दें इसके ऊपर, यहाँ पर से फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दें कितना रखना है, ठीक है। और फिर उसके बाद इसको यहाँ से बैलेंस में जाके प्रीव्यू ऑन करें तो उसी स्टाइल में आपको नज़र आएगा। अलाइनमेंट के लिए आप इसको सेलेक्ट करें, दोबारा से टेबल लेआउट में चले जाएं, सेंटर कर दें तो अब सेंटर में नज़र आएगा। सेव कर दें, सेव हो जाएगा। अब आता है अगला ऑप्शन कि मज़ीद रिकॉर्ड कैसे डालेंगे। मज़ीद रिकॉर्ड डालने के लिए मेलिंग्स में जाइए। अब ऑलवेज़ जब भी आपने नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो एडिट पर क्लिक करना है, आपकी लिस्ट का नाम नज़र आएगा, एडिट पर क्लिक करना है, ये दो रिकॉर्ड नज़र आएंगे, नया रिकॉर्ड डालना है। तो यहाँ पर आपने इस रिकॉर्ड को इस तरह से लिख दिया, नया रिकॉर्ड आपने, ठीक है। और जितने भी रिकॉर्ड हैं आप इसके अंदर डालते चले जाएंगे, और इसके बाद जैसे आप ओके करेंगे, यस करेंगे, ओके करेंगे, तो ये रिकॉर्ड ऐड हो गए। प्रीव्यू करने पर आपको ये सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे नज़र आने लग जाएंगे। ये देखिए,
ठीक है, उसके बाद अगर हम फाइल को सेव करके अगर क्लोज कर देते हैं तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। उस फोल्डर में जाके देखिए आपकी दोनों फाइल सेव होंगी जो अभी आपने क्रिएट की थी। तो हमने फोल्डर बनाया था वर्ड फाइल्स में जाके, ANH में जाके, तो यहाँ पे देखिए आपकी दोनों फाइल्स आपको बखूबी नज़र आने वाली हैं यहाँ पे। तो ये देखिए, ये आपके आ गया स्टूडेंट आईडी कार्ड और ये उसकी स्टूडेंट डेटा फाइल। आपने इस पर काम नहीं करना, आपने इसी पर काम करना है। आप जब भी इस फाइल को खोलेंगे तो ये आपसे परमिशन मांगेगा, क्या मैं अपनी डेटा फाइल से कनेक्ट हो जाऊँ? तो आप कहेंगे हाँ कनेक्ट हो जाओ। जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा तो आपका डेटा कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैलिंग्स में जाके प्रीव्यू ऑन करेंगे तो आपको सारे रिकॉर्ड देखने को मिल जाएंगे। और आपने नया डेटा डालना है ऑलवेज, तो एडिट रेसिपिएंट पे जाना है, लिस्ट को सिलेक्ट करना है, एडिट करना है और यहाँ से न्यू कर देना है। न्यू करके इसमें जो नया रिकॉर्ड डालना है आपने इस तरीके से एंट्री कर दें, और जो नया डालेंगे हम इसमें रिकॉर्ड, और इसको ओके कर देंगे। तो देखें ये डेटा भी हमारे पास सेव रहेगा और हमारे पास बार बार इस तरह का कार्ड बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन ये पैदा होता है कि यहाँ पे तो सारा डेटा सेव भी हो गया लेकिन कार्ड तो एक ही स्टूडेंट का बना है, अगर मुझे अलग अलग करके किसी भी स्टूडेंट के कार्ड बनाने तो क्या करना होगा? तो इस फाइल से एक और फाइल बनाएंगे जिसके अंदर सारे स्टूडेंट्स के कार्ड होंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। ये फाइल मेरी सोर्स फाइल है जो खुली हुई है, इसको मैंने सेव कर देता हूँ यहीं पर ही, आई थिंक ऑलरेडी सेव है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आएगा मेलिंग्स के अंदर फिनिश एडिटिंग का, इसमें जाएंगे एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे। ये पूछ रहा है अच्छा ठीक है भाई किस किस के बनाने, किसी खास के बनाने तो यहाँ बता सकते हैं लेकिन मैं कह रहा हूँ सबके बनाने। तो ऑल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। जैसे ही ओके करेंगे आप तो यहाँ पर एक और फाइल बनेगी बहुत जल्दी से, और वो फाइल जो बनेगी वो इस फाइल से क्रिएट होगी। जब वो इस फाइल से क्रिएट होगी तो जब क्रिएट हो जाएगी तो इस फाइल से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो एक अलग फाइल बनेगी। ओके करेंगे, ये देखिए बन गई। इस फाइल का नाम इसने रखा है लेटर वन। वो फाइल अपनी जगह पे खुली हुई है, वो अपनी जगह पे मौजूद है, सोर्स फाइल है हमारी। इस लेटर वन में हर एक पेज के ऊपर एक स्टूडेंट का कार्ड अलग अलग प्रिंट होके आ जाएगा, जिसको सेव करके अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं, प्रिंट करना चाह रहे हैं, सेंड करना चाह रहे हैं, वो यहाँ से कर सकते हैं। और इस फाइल को सेव करना चाहें तो सेव कर लें, अगर नहीं भी सेव करेंगे कोई मसला नहीं है। इस मेन फाइल से आप जितनी बार चाहें इस फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको भी सेव करना चाह रहे हैं तो फाइल में जाएं, सेव कर लें, मतलब किसी को सेंड करने के पर्पज़ से या किसी को और किसी पर्पज़ से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमने सेव कर दिया ऑल स्टूडेंट आईडी कार्ड्स के नाम से। ये फ्यूचर में भी हमारे पास रहेगा सिस्टम बना हुआ। तो अब आपके पास दो किस्म की फाइल्स हो गई हैं। देखें ये वो फाइल है जो डेटा फाइल है जिसमें डेटा है, ये वो फाइल है जो इससे कनेक्टेड डेटा फाइल की फ़ाइल है, और ये वो फाइल है जिसका इन दोनों से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपने प्रोड्यूस किया अलग से। ठीक है, ये फाइल आपकी मेन है, जब भी नया डेटा डालना है इसको खोल के यहाँ से डालना है, और इस तरह की जितनी फाइल्स चाहें बना लें, इनको शेयर करना है, इसकी PDF बनानी है, जो भी करना है वो आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह मेलिंग्स का ऑप्शन यूज़ करके आप इजीली अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं, और ऐसे फॉर्मेट्स और ऐसे डॉक्यूमेंट जो सेम डिज़ाइन सेम कंटेंट के होते हैं, सिर्फ उसके ऊपर लेवल्स चेंज करने होते हैं, तो इस काम के लिए ये वाला टूल आप बस आसानी यूज़ करके बना सकते हैं।